इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर वेरियस प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, जहां कांस्टेंट प्रेशर तो पी बराबर सी, हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पी भी बराबर एम आर टी होता है, तो यहां से पी बराबर एम आर ये कांस्टेंट हुआ, टी वेरिएबल, पी वेरिएबल, तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी लिख सकते हैं, भी बराबर टी होता है तो भी वन बाई भी टू बराबर टी वन बाई टी टू लिख सकते हैं, और उसका ग्राफ जिस कारण वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। सेकेंड है कांस्टेंट वॉल्यूम, भी बराबर सी होगा तभी तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा ना, तो पी भी बराबर एम आर टी, एम आर टी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो भी कांस्टेंट है यहाँ पे दिखाया गया है, तो भी और एम आर कैंसिल हो गया, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, यानी पी बराबर टी हो गया, पी वन बाई पी टू बराबर टी वन बाई टू टू, और उसका ग्राफ वर्टिकल होता है ना। थर्ड है कांस्टेंट टेम्परेचर, टी बराबर सी, पी भी बराबर एम आर टी, हम लोग जानते हैं कि एम आर कांस्टेंट होता लेकिन टेम्परेचर बराबर सी है तो ये जितने कांस्टेंट है वो कट जाते हैं, तो पी भी बराबर सी हो गया, पी वन भी वन बराबर बी टू लिख सकते हैं इसे, पी वन बाई पी टू बराबर भी वन भी टू बाई बी वन, ये हो गया, और उसका ग्राफ ऐसे होता है वन से टू तक के बीच। अब हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑफ पी वी डाइग्राम। पी वी मतलब प्रेशर वॉल्यूम डाइग्राम, पी वी के पावर के बराबर सी है तो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर हमने यहाँ पे पढ़ा कांस्टेंट प्रेशर वी वन बाई वी टू बराबर टी वन बाई वी बराबर टी है, यानी कि यहाँ पे देखो पी भी बराबर क्या है, कुछ है नहीं है, अगर उसके पावर जीरो यानी कि एक कैंस कर देंगे तो यानी के बराबर क्या हो जाएगा, अगर पी के बराबर जीरो हो जाएगा कांस्टेंट यानी कि प्रेशर, पी बराबर सी होना चाहिए, तो पी बराबर सी क्या होगा जब के का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये वी बराबर वन हो जाएगा, पी बराबर सी हो जाएगा, तब हो जाएगा, अगर पी भी के कांस्टेंट प्रेशर में पी भी बराबर एम आर टी तो भी के पावर के होगा तो उसमें जीरो रख देंगे तो पी इंटू जीरो हो जाएगा, जी पी बराबर सी हो जाएगा, ये वाली पॉइंट जिसमें के का मान जीरो रखना पड़ेगा ये इक्वेशन। दूसरा है कांस्टेंट टेम्परेचर, अब यहाँ से हमको देखना पी भी के पावर के बराबर सी, उसमें तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर में हम लोग देखें यहाँ से पी भी बराबर एम आर सॉरी यहाँ पे है क्वेश्चन, हाँ पी बराबर इसमें एम आर टी तीनों का तीनों कैंसिल हो जाता है, पी वन भी वन बराबर पी टू भी टू होता है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पी वी के पावर के बराबर सी होता है, तो यहाँ पे एक पी पी वन भी वन है, क्या है पी वी बराबर सी है, पी वी बराबर सी आया है, पी वी बराबर सी, तो हमको यहाँ पे क्या यानी कि के बराबर कैसा वैल्यू देना चाहिए कि पी वी बराबर सी होना चाहिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए, तो अगर के बराबर वन देते हैं तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा, पी वी बराबर कांस्टेंट टेम्परेचर में फिट हो जाएगा, पी वी बराबर सी हो जाएगा, के बराबर वन यहाँ पे मैंने डिफाइन भी किया कांस्टेंट, पी वी बराबर सी लिख सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर में, जिस कारण अगर पी वी बराबर के है बराबर सी तो के का वैल्यू अगर जीरो दे वन दे दे तो पी वी बराबर सी हो जाएगा, और यहाँ पे हमने डिफाइन भी किया। अब ये बात होगी आपको एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक पी के वी के पावर गामा बराबर सी हो जाता है, तो यहाँ पे के है तो यहाँ के बराबर क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, इसमें से वो हो गया एडियाबेटिक प्रोसेस। लास्ट है पॉलिस्टर, पी वी के पावर एन बराबर सी होता है, उसका इक्वेशन ही होता है, तो यहाँ के बराबर एन हो गया, वो यहाँ से के बराबर एन हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम है लास्ट में, कांस्टेंट वॉल्यूम में हम लोग देखेंगे भी बराबर यहाँ पे सी है तो पी वी के पावर के बराबर सी। अब यहाँ पे देखना है हमको प्रेस प्रेस यानी कि वॉल्यूम में कांस्टेंट है तो वी बराबर सी डालना है, तो अब थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पे वी के पावर में के है तो हमको पावर को हटाने के लिए दोनों ओर वन बाई के से डिवाइड करना हो जाएगा, होल वन बाई के तो उसमें भी पी के पावर वन बाई के आ के बाई के सी के पावर वन बाई के ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पी के पावर वन बाई के इंटू वी, अब यहाँ पे हो जाएगा सी के पावर वन बाई के, यहाँ से हो जाएगा पी के पावर वन बाई के हमको उससे वो तो कांस्टेंट हो गया सॉरी वी वॉल्यूम उसमें कांस्टेंट है तो हमको भी बराबर सी लिख सकते हैं, सी के पावर वन बाई कोई भी कांस्टेंट उसको सी वन मान लीजिए या कोई, यानी कि इससे हमको ये कंक्लूजन निकलता है के का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है जिसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते।